हेलो क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, फिलहाल में तो अच्छे नहीं होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम एकदम चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, मतलब बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो अगर अभी आप क्विक रिविज़न करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिविज़न करना चाहते हैं, तो अभी जो मैं बताऊँगा बस वही चीज़ को आप रिविज़न करिए। ठीक है, क्योंकि इसी में से सिर्फ क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अगर ये आप पढ़ लीजिएगा तो भाई साहब 80 में 80 भी मार सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब जो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन को आप पढ़ के जाओ भाई साहब, वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। वो हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है, सीबीएसई बार बार उस क्वेश्चन को पूछती है। तो भाई साहब आज के इस वीडियो में बस हम वही क्वेश्चन को आपको बताने वाले हैं जो क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली आना ही आना है। ये टर्म टू एग्जाम में 2022 में एकदम आना ही आना है, जो कुछ दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है साइंस का। ठीक है बच्चों, तो मेरा नाम है विजेता आनंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टर्म टू 2022 एग्जाम, यानी 2022 का जो सीबीएसई एग्जाम होने वाला है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला देखिए चैप्टर 4 से, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा सिलेबस तो नहीं आ रहा है, थोड़ा मतलब डिटेक्शन हो रहा है, यानी डिटेक्शन हो गया था। कुछ सिलेबस टर्म 1 में आएगा, मतलब आ गया था, और कुछ सिलेबस जो है टर्म 2 में ऐड हो गया था, यानी आधा आधा हो गया था। तो इसी तरह से हम लोग चैप्टर 4 से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यानी चैप्टर 4 में से क्या आना है हम लोगों को ये देख लीजिए। चैप्टर 4 जो है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए मैं ये सारा चीज़ बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू NCERT बता रहा हूँ। अब NCERT से ही तो पूछा जाता है, वही तो सिलेबस है हम लोगों का। तो NCERT से बता रहा हूँ कि NCERT का जो चौथा चैप्टर है वो क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। जो कि इसमें से आपको क्या क्या पढ़ के जाना है भाई साहब वो आप देख लीजिए। आपको जो है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर होता है ना, कि कार्बन बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड क्यों बना लेता है, क्या कारण है उसका, उसके अंदर क्या गुण है कार्बन का, तो वो कार्बन का गुण पढ़ के जाइएगा भाई साहब। आपको पता है ना, देखिए ये सारा चीज़ों का आंसर मैं अभी बताना संभव नहीं समझता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग बोलिएगा तो ये सारा जो चीज़ जितना सारा क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस का आंसर का भी एक सीरीज बन जाएगा। तो कम से कम ये वीडियो को भाई साहब अच्छा व्यूज़ आप दिलवाइए, कमेंट वगैरह करिए, तो डेफिनेटली आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, तो इसका आंसर भी हम लोग बहुत ही जल्दी इस पर, इस चैनल पर आपके सामने प्रस्तुत करवाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो वर्सटाइल नेचर, कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर होता है उसको पढ़ के जाए। कैटिनेशन होता था, टेट्रावेलेंसी होता था, पॉलीमराइजेशन होता था, तो वो आप देख के जाइएगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन फिक्स रहता आता ही आता है। फिर है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। और जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बता दिया तो हाइड्रोकार्बन भी पढ़ के जाइएगा। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बना होता है उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन का दो प्रकार होता है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। ये सारा पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है इससे क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, अब होमोलोगस सीरीज, हिंदी में समजातीय श्रेणी बोला जाता है भाई साहब, इससे भी क्वेश्चन आना एकदम फिक्स रहता है। समझ में आया, होमोलोगस सीरीज जैसे अल्कोहल का, अल्कोहल तो आना नहीं है, यानी ये जो हमारा सैचुरेटेड यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये जितना सारा था ये सभी का आप होमोलोगस सीरीज याद कर लीजिए। वो क्वेश्चन करेगा कि एल्केन का फोर्थ होमोलोगस सीरीज क्या है, ठीक है, या एल्कीन का फिफ्थ होमोलोगस सीरीज क्या है, नाम बताइए। तो भाई साहब इस तरह का जो सवाल फंसता है सीबीएसई में, होमोलोगस सीरीज आप बढ़िया से देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए बस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बस इतना ही सिलेबस था, और बाकी का जितना बच गया नोमेनक्लेचर वगैरह वो तो डिलेट ही कर दिया गया था सीबीएसई के द्वारा। समझ में आया ना, घुस रही है दिमाग में, तो देखते जाइए पूरा एकदम वीडियो देखिए लास्ट तक। अरे भाई साहब आपको 80 में 80 आएगा, डेफिनेटली आएगा, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ, टेंशन मत लीजिए, आना ही आना है। और देखिए एग्जाम हो रहा है तो डरिए मत, एकदम खुल के जाइए, एकदम फ्री माइंड में कूल, जैसे कैप्टन कूल है ना, जिस तरह से कैप्टन कूल है ना हम लोगों के टीम इंडिया का धोनी, अब तो वो रिटायर हो गए हैं, यानी संन्यास ले लिए हैं कैप्टनी से और पूरा अथीए से, लेकिन कितना कूल सोचते हैं और अपने मैच को जितवाते हैं। उसी तरह से आपको कूल दिमाग रख के सारा चीज़ को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, चैप्टर 5 जो है क्या है,
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर 5 क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपको भाई साहब पढ़ के जाना है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, अष्टक नियम था, वो क्या था और उसका लिमिटेशन आपको पढ़ के जाना है। यानी क्या वजह था जो हम लोग आज लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं करते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिए हम लोग। काहे? कुछ तो कमी रह गया होगा ना लॉ ऑफ ऑक्टेव में, तो वो कमी भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को आपको देख लेना है क्या था उसमें, और लिमिटेशन भी देख लेना है। ठीक, अब अगला है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल भी देख लेना है आपको, यानी मेंडेलीव जो अपना पीरियोडिक टेबल दिए थे वो देख लेना है, और इसका लिमिटेशन भी आप देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देख लीजिएगा। ठीक है, पीरियोडिसिटी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिसिटी होता है, ठीक है ना, पीरियोडिसिटी को भी देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे बातों को गौर करते जाइए, लिखते जाइए, कुछ कुछ टर्म यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ तो वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और चौथा है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए एमपीटी का मतलब होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दाएं से बाएं जाए या बाएं से दाएं आए तो वैलेंसी में क्या वेरिएशन आएगा, वैलेंसी बढ़ेगा कि वैलेंसी घटेगा। ठीक है, एटम का साइज बढ़ेगा कि घटेगा, जब हम इधर से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटम का जो साइज है वो बढ़ेगा कि घटेगा, या ऊपर से यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के टॉप से यानी ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो एटम का साइज बढ़ेगा कि घटेगा, ये आपको बताने हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड्स। ठीक है, या देखिए, या ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है यानी एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर, समझ में आ रहा है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं या राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो नेचर ऑफ ऑक्साइड बताना है कि भाई साहब वो बेसिक नेचर का होगा या एसिडिक नेचर का होगा, ये सारा चीज़ आपको देखना है। यानी डायरेक्ट आप ट्रेंड्स देख लीजिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ट्रेंड्स। ठीक है, ये था केमिस्ट्री का पार्ट भाई। अब बायोलॉजी में घुस रहे हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो दैट रिप्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अब रिप्रोडक्शन में आपको डिफरेंस याद कर लेने हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया है, तो ये दोनों देख लीजिएगा आप। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों देख लीजिएगा, और दूसरा है बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, ये भी देख लीजिएगा, और बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन का जो डायग्राम होता है अमीबा वाला और प्लाज्मोडियम वाला, वो दोनों याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देता है। अब अगला है तीसरा, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पहले तो पॉलिनेशन देख लीजिएगा, पॉलिनेशन का दो टाइप होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन और एक सेल्फ पॉलिनेशन, वो भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चौथा, व्हाट चेंजेस ऑकर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी एज आ जाता है, ठीक है, जब किशोरावस्था आ जाता है तो भाई साहब क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। गर्ल्स और बॉयज में बहुत हद तक जो है सिमिलर ही होते हैं चेंजेस। ठीक है, तो वो सारा चीज़ आपको पता होगा क्या क्या होता है जब प्यूबर्टी एज आ जाती है, तो दाढ़ी आ जाता है बॉयज में, समझ में आ रहा, मसल्स बढ़ जाते हैं, तो ये सारा चीज़ आप देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। और ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये VVI, एक्सप्लेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है उसका डायग्राम बनाने को बोलेगा, और डायग्राम में जो है उसको लोकेट करना है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या, यानी लेबल्ड डायग्राम आपको एकदम बढ़िया से याद कर लेना है। ठीक है ना, समझ में आया, फीमेल और मेल दोनों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है उस हर एक पार्ट का लेबल्ड डायग्राम आपको याद कर लेना है। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं, विच मेथड आर यूज टू अवॉइड प्रेगनेंसी, यानी जो प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी को हम किस किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था, बहुत सारा मेथड था, वो सारे मेथड को आप यहाँ पर याद कर सकते हो, ये तो आपको पता ही होगा, बच्चे को पता होता है ये सारा चीज़ कि प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड किया जाता है, प्रेगनेंसी से कैसे बचा जाता है। ठीक है, समझ में आया, आगे देखते हैं। अगला है भाई, हाउ डज एम्ब्रॉय गेट्स नरिशमेंट इनसाइड मदर्स बॉडी। मदर्स बॉडी में यानी माँ के बॉडी में, यानी गर्भाशय बोल सकते हैं, माँ के गर्भाशय में जो एम्ब्रॉय रहता है उसका नरिशमेंट किस प्रकार से होता है, ये सारा चीज़ आपको याद कर लेना है, ये सारे बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अरे भाई साहब, यही तो आने वाला है पेपर में, यही तो आने वाला है, देख लीजिएगा। अब आगे देखिए, अगला है, ये बायोलॉजी का सेक्शन चल रहा है, फिर देखिए हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन,
एक चैप्टर है उसमें हम लोगों को पढ़ लेना है हाउ इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है यानी लिंग निर्धारित कैसे होता है, ये देख लीजिएगा वो वाला जी एक्स वाई एक्स एक्स और एक्स वाई वाला, ये इसके साथ मिल जाता है तो बॉय यानी एक्स वाई मिल जाता है तो बॉय और एक्स एक्स मिल जाता है तो गर्ल, ये वाला ठीक है लिंग निर्धारित वाला ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार से होता है वो आप देख लीजिएगा। अगला है एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, वैसा ट्रेट्स यानी वैसा लक्षण जो हम लोगों को जन्मजात मिला हुआ है उसको क्या बोलते हैं, या वो लक्षण जो हम इस दुनिया में आने के बाद वो लक्षण हम लोग के अंदर आया हो, जैसे हम क्रिकेट अच्छा नहीं खेलते थे अब हमने मेहनत किया और बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलने लगे तो उस तरह के लक्षण को क्या बोलते हैं, तो ये आप याद कर लीजिएगा दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये आप याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आता है सीबीएसई में। अगला है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड का जो रेशियो वगैरह बनता है ठीक है कितना है रेशियो वो आप याद कर लीजिएगा ठीक है। अगला है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी एक्सपेरिमेंट लेना है और उसमें आपको बताना है कि कोई भी जो लक्षण है डोमिनेंट कब होगा और रिसेसिव कब होगा, यानी कौन लक्षण है यानी कोई सा भी लक्षण है वो प्रभावी कब होगा यानी डोमिनेंट कब होगा और रिसेसिव कब होगा किस तरीके से होगा, वो सारा प्रोसेस आपको समझ में आने चाहिए ये आप याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा एक बार ठीक है। वैसे आप ये तो एक बार पढ़ ही चुके होंगे अब जानते हो ना कि अभी सभी चीज़ को पढ़ने बैठोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बस इतने ही सारे चीज़ों से क्वेश्चन आता है इतना ही सारा चीज़ पढ़ो भाई टाइम भी बचेगा और अच्छे लेवल तक आप तैयारी भी कर लीजिएगा ठीक है। अब अगला फिजिक्स सेक्शन में हम लोग घुस रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को क्या याद करना है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंसेस डिपेंड, यानी किन किन फैक्टर्स पे किसी भी कंडक्टर का किसी भी वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ठीक है, जानते हो ना लेंथ पे डिपेंड करता है ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम पर डिपेंड करता है, तो ये सारा चीज़ आप याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही फॉर्मूला से ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग प्रूफ हो जाएगा भाई साहब। ओम्स लॉ क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट और ओम्स लॉ का जो वी आई ग्राफ होता है, ओम्स लॉ का जो वी आई ग्राफ होता है वो ग्राफ भाई आप प्रैक्टिस करके जाइएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आता ही आता है ओम्स लॉ का जो वी आई ग्राफ होता है, और ओम्स लॉ से जितने सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बन सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का या फिजिक्स का न्यूमेरिकल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहाँ जो है आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी टर्म टू एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें किस किस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हैं, आपका लेवल अच्छा हो जाएगा, आप सारे न्यूमेरिकल्स को डील करके आ सकते हो टर्म टू एग्ज़ाम में ठीक है। वो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पर जाइए वहाँ पर टिपिएगा पट सवर जो है टर्म टू में कौन कौन सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं किस किस तरीके से आ सकते हैं वो न्यूमेरिकल्स आपके सामने दिख जाएगा ठीक है, तो वहाँ पर आप ज़रूर वहाँ पर जाएं और प्रैक्टिस करें भाई साहब ठीक है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन एडवांटेज ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों के घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होता है यानी जितने सारे बल्ब्स फैंस होते हैं जितने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है अच्छा है किसके मुकाबले सीरीज कॉम्बिनेशन के मुकाबले, ऐसा क्यों ये आपको बताना है। डेफिनेटली है कि भाई साहब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है एक ही सर्किट होता है, अगर एक सर्किट ब्रेक हुआ तो पूरा करंट फ्लो होना ही बंद हो जाएगा, अब करंट फ्लो होना ही बंद जाएगा, एक बंद होगा तो पूरा बंद हो जाएगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है अगर बल्ब का अगर सर्किट टूट गया तो भाई पंखा तो चलता रहेगा और सारा हीटर तो चलता रहेगा, तो वो होता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का फायदा ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्यूज देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, याद कर लीजिएगा। अच्छा डेरिवेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू,
और सीरीज कॉम्बिनेशन का होता है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू और इसका डॉट 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 वन बाय आर एन और इसका डॉट 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 आर एन जितना रेजिस्टेंसेस होगा जुड़ते जाएगा। तो ये फार्मूला कैसे आया, ये फार्मूला को डिराइव कर कैसे किया जाए वो भी आप देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। कुछ चैप्टर्स अभी और बचे हुए हैं, पहले अगर आप इसको नोट नहीं किए हैं बच्चों तो जल्दी से भाई नोट कर ले, नोट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा भाई साहब आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद दो चैप्टर और बच गए हैं, वो भी मैं आपको डील करवा रहा हूँ, पहले आप जल्दी से नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन को, और या तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, भाई आपके डिपेंड है, या आप पे डिपेंड करता है क्या करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो देखिए फिजिक्स का ही है अगला चैप्टर, दैट इज चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, शायद चैप्टर 13 है, आप देख लेना हो वैसे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट क्या है, इसमें आप लोगों को पढ़ना, देखिएगा ध्यान से, इसमें आपको पढ़ना है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या प्रॉपर्टी है ये आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक मोटर विद डायग्राम, यस यस यस, इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम याद करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक मोटर का क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर वो वर्क कर रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI बहुत बार आ चुका है ये बाबू, VVI इसको लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन हो सकता था कि जो हाँ, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इच अदर, वाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला है कि व्हाट आर द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू अवॉइड द ओवरलोडिंग एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। भाई ये सब भी पढ़ लेना आप, ठीक है, ओवरलोडिंग पढ़ लेना, ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं वो सारा देख लेना। अगला है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेना भाई, और सोलेनाइड क्या होता है, याद है ना एक मैग्नेट बार मैग्नेट का एकदम उसके ऊपर इस तरह से चढ़ा दिए थे। ठीक है, इसका वीडियो मतलब अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली इस सभी का आंसर सहित एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तभी वो वीडियो आएगा। अगला है आवर इन्वायरमेंट, बायोलॉजी का शायद है, क्या है आवर इन्वायरमेंट में डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या होता है ये आपको बताना है। अगला है भाई साहब कि डिप्लेशन फॉर्मेशन एंड डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर किस तरह से बना हुआ है, क्या होता है यानी कि ऑक्सीजन और मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स और एक एक जो है मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन अगर आपस में मिलेंगे तो O3 ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सारा देख लेना। और ये ओजोन लेयर कैसे डिप्लेशन हो रहा है इसका, यानी कैसे ये खराब हो रहा है, कैसे इसके अंदर मतलब ये बर्बाद हो रहा है, किस तरह से, तो ये ओजोन लेयर O3 होता है, इस पर यूवी रेज क्या होता है, यूवी रेज आता है, तो यूवी रेज भाई साहब यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेज सूरज से निकलता है, उसी अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण भाई साहब इसका डिप्लेशन हो रहा है और यहाँ पर O2+O बन जा रहा है, तो इसी के कारण, ये भी देख लीजिएगा। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक, अब अगला है एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में जो डिकम्पोजर होते हैं उनका रोल क्या है, कितने मतलब उनका कितना अच्छा रोल है भाई, डिकम्पोज कर देते कोई भी चीज़, मर गया मान के चले कोई चीज़ मर गया और वो सारे चीज़ों को जो मर गया वो चीज़ उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो भाई साहब बहुत अच्छा बात है, तो वही बताना है कि जो डिकम्पोजर होते हैं यानी जो सारा गला चीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं वो उनका जो है रोल क्या है हमारे इन्वायरमेंट में, ये बताना है भाई, अच्छा रोल है, वायुमंडल को स्वच्छ रखते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखते हैं, हमारे पर्यावरण को, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है ये भी याद कर लीजिएगा, ये टर्म 1 का सिलेबस में था, व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स ना, लाइफ प्रोसेस में था ना। और 10% लॉ क्या होता है ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लगाइएगा। और एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिक लेवल पर इसको बताना भाई,
ट्रॉपिक लेवल पर यानी हाइयर ट्रॉपिक लेवल से लोअर ट्रॉपिक लेवल में कैसे 10% लॉ जो है यानी 10% एनर्जी सबके लिए अवेलेबल होता है ये आपको बताना है, ठीक है। 10% लॉ में ये सारा चीज दिया गया है, तो 10% लॉ आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है डिफरेंस बिटवीन फूड चैन एंड फूड वेव, यानी फूड चैन और फूड वेव में, फूड चैन और फूड वेव में क्या अंतर होता है भाई, ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा टर्म था, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बस इसी को पढ़ के जाइए भाई। अब एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो फिर वो समय की नुकसानी ही होगी अभी, ठीक है। तो ये सारा जो चीज़ मैं बताया वो सारा चीज़ अगर पढ़ लीजिएगा ना, 80 में 80 फिक्स है, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो बस ये तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हूँ, लेकिन सीबीएसई क्वेश्चन घुमाती है, क्वेश्चन घुमा के पूछेगी, यही क्वेश्चन को घुमा देगी, तो वो आप बढ़िया से तैयारी करिएगा। अगर आपका थोड़ा सपोर्ट रहा इस वीडियो पे तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत जल्दी, कल ही आ जाएगा अगर आप सपोर्ट करोगे तो, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट करो और इसका आंसर और इसको एक्सप्लेन करके बेहतरीन ढंग में मैं बताऊंगा, थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए मेरे वीडियो के माध्यम से और आपका टर्म टू में बहुत अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है। और मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। आप लाइफ में बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा से तरक्की करो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।